मंगो पीर कौन थे? सैकड़ों मगरमच्छ कहां से आए? यहां के मगरमच्छ दुनिया के मगरमच्छों से मुख्तलफ क्यों हैं? मंगो पीर से जुड़ी दास्तान आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सूबा सिंध के सबसे बड़े शहर कराची से 16 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी टीलों और कीगर की झाड़ियों और जंगलात से घेरा हुआ मंगोपीर का कस्बा है, जहां हजारों साल कदीम तहजीब के आसार पाए जाते हैं। इस कस्बे के बारे में मोरकिन की राय है कि यह इलाका किसी दौर में आबाद और हस्ता बस्ता शहर था, जो किसी कुदरती आफत या किसी हादसे का शिकार होकर सफाए हस्ती से मिट गया, लेकिन इसके आसार अब भी देखे जा सकते हैं। मंगोपीर की पहाड़ियों को तोगमंग कहा जाता है। मंगोपीर का मकाम जो मगरपीर से मशहूर था, हिंदुओं के लिए भी मुतबरके हैसियत का हामिल था। सिंध में इस्लाम फैलने से पहले हिंदू बिरादरी इस इलाके में अपनी मुकद्दस मकामात की ज्यारत करने के लिए आते थे। तालाब में मौजूद मगरमच्छों की पूजा करते थे, खास के उनके सरदार की, जिसे वो लाला जर्राज का अवतार समझते थे। मकामी लोगों की रवायत के मुताबिक मंगोपीर बाबा की आमद से पहले यहाँ किसी बुजुर्ग की कब्र थी, उसकी ज्यारत के लिए बड़ी तादाद में लोग आया करते थे। एक दिन सख्त सर्दी के मौसम में ख्वाजा हसन सखी सुल्तान का आगे से गुजर हुआ। यहाँ का महले वक्कू उन्हें इतना पसंद आया कि वो वहीं मुकीम हो गए। रवायत के मुताबिक मकामी आबादी ने उनके साथ बड़ी बेतनाई बरती। खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए घास फूस जलाकर खुद को गर्मी देने से भी मना किया। उनके दर्ज अमल से सखी सुल्तान जलाल में आ गए और उनको अपनी करामत से मगरमच्छों में तब्दील कर दिया। जब उनकी वफात हुई तो मकामी लोगों ने उसी जगह पर छोटा सा मज़ार तामीर कर दिया। ये मज़ार सतह समंदर से तकरीबन 600 किलोमीटर बुलंद है और एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है। हर साल 8 जुलहज को हजारों अकीदतमंद सुल्तान सखी मंगोपीर का उर्स मनाते हैं। उसके अलावा सावन के महीने में मेला भी मुनक्कद करते हैं। मज़ार पर मौजूद मगरमच्छ साइंसदानों के मुताबिक दुनिया भर में पाए जाने वाले मगरमच्छों के बरक्स मज़ार पर पाए जाने वाले मगरमच्छ गोश्त से लेकर मिठाई और हलवा तक खा जाते हैं।